माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, यहाँ उपस्थित राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, मंच पर विराजमान भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार श्री अजय मंडल जी, बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के प्रत्याशी भाई गिरधारी यादव जी, मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के प्रत्याशी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, यहां मंच पर विराजमान माननीय सांसद श्रीमती कहकशा परवीन जी और तीनों एनडीए के तीनों घटक दलों के, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, पत्रकार मित्रों और इस सभा में उपस्थित, चुनावी सभा में उपस्थित बहनों, भाइयों और युवजनों, मैं सबसे पहले भागलपुर की इस धरती का नमन करता हूं और इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आप सब उत्साह के साथ इस सभा में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश में जो माननीय मोदी जी का काम है और उस काम के चलते देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश आगे बढ़ रहा है और इन्होंने समाज के हर तबके की खिदमत की है, सेवा की है और देश की रक्षा के लिए भी पूरी सतर्कता रखी है। आतंकवाद के खिलाफ जो भी जरूरी कार्रवाई है, उस कार्रवाई को करने में ये कभी पीछे नहीं रहे हैं, इसलिए मैं इन सब चीजों के लिए इनका अभिनंदन करता हूं। और आप देखिएगा, अपने देश के गरीब गुरबा लोगों के लिए भी जो इन्होंने काम किया है, हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी का कनेक्शन मुफ्त में दिया जा रहा है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें जो गरीब परिवार हैं उन परिवारों को हर साल चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने की इन्होंने योजना क्रियान्वित कर दी है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को हर साल केंद्र सरकार 6000 रुपए की 3 किस्तों में मदद करेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कृषि के क्षेत्र के बारे में जो दूसरी पार्टी के लोग बोलते हैं, ऋण माफी और कई तरह की बात बोलते हैं, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि सभी किसान ऋण नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आखिर जो किसान खेती करता है और खेती करने में उसको जो पैसा लगाना पड़ता है, अगर हम वहां उसकी मदद कर देंगे तो उसकी लागत घट जाएगी और उसका फायदा बढ़ जाएगा। ये सोच करके मैं इसके लिए बधाई देता हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया और पहले किस्त का भुगतान प्रारंभ हो गया, ये मामूली बात नहीं। और इन्होंने देश के लिए किया
और अपने बिहार के लिए जो भी प्रधानमंत्री जी ने किया है इसके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अकेले सड़क के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 50,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस तरह का काम इनके माध्यम से, और अभी हाल में बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाई गई है, और जो खाद का कारखाना था वो बंद पड़ा था कई दशकों से, और उसको फिर से उसकी शुरुआत कराने जा रहे हैं। और जो खाद का कारखाना है, नीम लेपित यूरिया का उत्पादन होगा और वो गैस के माध्यम से उसका उत्पादन होगा। एक एक चीज का, पटना जो राजधानी है, पूरे बिहार के हर लोगों की जगह है, राजधानी पटना में पटना मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत हो गई, और पूरे बिहार में नए मेडिकल कॉलेजेस को खोलने के लिए भी मदद मिली। तो मैं कितनी बातों की चर्चा करूं, एक एक चीज के लिए जो मदद केंद्र सरकार से मिल रही है, मैं इसके लिए इन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे यही अपील करूंगा कि आपने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, हम सब लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, और बिहार का विकास न्याय के साथ विकास हम लोगों का लक्ष्य है, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का विकास। और ये काम जो 13 साल से करने का मौका दिया, आज आप जान लीजिए बिहार का जो विकास दर है देश के किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है। अब बिहार का विकास दर 11.3% हो चुका है, इस तेजी से हम लोग विकास करा रहे हैं। और आज न जाने क्या क्या भाषण देते रहते हैं हम लोगों के विरोधी लोग, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, जुबानी जंग चलाना चाहते हैं और हम लोग काम में यकीन करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, बिहार में पति पत्नी का राज 15 साल रहा और उसके अंतिम काल में 2004-05 में बिहार का बजट कितने का होता था? 23,885 करोड़ का बिहार का बजट होता था एक साल का, यानी 24,000 करोड़ रुपए से भी कम। और आपने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तो आज बिहार का बजट 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक साल के अंदर पूरा हो गया। तो हम लोगों ने, और इसके अलावे 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल, हर गांव या टोले में या मोहल्ले में शहरों के पक्की गली का निर्माण और नाले का निर्माण, ये काम हम लोग कर रहे हैं पूरे बिहार में। और केंद्र सरकार की योजना है स्वच्छता अभियान, हर घर शौचालय, और हम लोगों ने 7 निश्चय में भी उसको रखा है। और इस साल जो बापू जयंती है 2 अक्टूबर 2019 को, उस दिन तक पूरे बिहार में हर घर शौचालय का काम हम लोग पूरा करा देंगे, ये आप जान लीजिए। और इसके अलावे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए हम लोगों ने जो नए इंस्टीट्यूशन खोलना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना, यह सब तो काम कर ही रहे हैं। और उसके अलावे हमने क्या कहा था, महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए 35% आरक्षण राज्य की सेवाओं में हम लोगों ने दिया है, और पुलिस सेवा में भी 35% आरक्षण। पहले आपको नजर नहीं आती थी महिलाएं पुलिस बल में, और अब बिहार के पुलिस बल में जितनी महिलाएं, जितना प्रतिशत है, देश में सबसे ज्यादा है। अब बाहर भी देखते हैं और यहाँ भी गौर से देख लीजिए, महिलाएं पुलिस बल में हैं। तो एक एक जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हम लोग सारा काम कर रहे हैं। और बिहार की क्या हालत थी, अंधेरे में रहना पड़ता था, लालटेन का सहारा लेना पड़ता था, और हम लोगों ने तय किया हर घर बिजली का कनेक्शन दे देंगे। लक्ष्य था 31 दिसंबर 2018 का, और उसको पूरा कर दिया हम लोगों ने 25 अक्टूबर 2018 को। अब हर घर बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। पहले बिजली कितनी आती थी बिहार में, 700 मेगावाट, और अब बिजली की आपूर्ति कितनी हो रही है, 5200 मेगावाट, और जितने बिजली की जरूरत होगी सब हम आपूर्ति करते हैं। तो आप
अंधेरा खत्म हो गया, रोशनी आ गई, बिजली हर घर में आ गई और लालटेन की जरूरत खत्म हो गई पूरे बिहार में। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हम सब लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। और एक नहीं, हम सब यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। और भागलपुर के लिए ट्रिपल आईटी का निर्माण हो गया, भागलपुर बाईपास का निर्माण चल रहा है, विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन का पुल और सुल्तानगंज से अगवानी घाट का पुल बन रहा है। एक नहीं अनेक काम। आपको NH 106 में फुलौत में कोसी नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। भागलपुर में नमामि गंगे एवं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य प्रगति पर प्राकलित राशि 389,78,00,000 रुपए की है। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निविदा प्रक्रियाधीन है 254 करोड़ रुपए का। तो चाहे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और उनके सहयोग से बिहार में आप लोगों ने हम लोगों को सेवा का मौका दिया, हम लोग बिहार के पूरे बिहार की सेवा कर रहे हैं और भागलपुर को भी जितनी भी जरूरत है हम सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। इसलिए आज के अवसर पर हम सब आपसे प्रार्थना करेंगे कि भाई हम लोगों के लिए तो सेवा ही धर्म है और हम लोग सेवा करते हैं और कुछ लोग राजनीति में आकर धनार्जन करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। और गांधी जी ने कहा था ये सामाजिक पाप है काम के बिना धन, और ऐसे लोग न जाने क्या क्या बोलते हैं। इसलिए आप सब लोगों को देखना, हम लोगों ने काम किया है और उस काम के आधार पर हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि फिर से देश में मोदी जी की सरकार कायम हो और बिहार की भी पूरी तरक्की हो और देश की तरक्की हो। इसलिए इस अवसर पर आप सब लोगों से यही आग्रह। तो आप सब लोगों से क्या उम्मीद करें कि हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको आप जिताइएगा, बताइए, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत इसके लिए हृदय से धन्यवाद। आज जो बहने हमारी बैठी उनको हम बता देते हैं कि बात, वोट का दिन जो है उस दिन पहले मतदान कर लीजिएगा, तब जलपान कीजिएगा और घर में खाना मत पहले बनाइएगा, पहले वोट डाल दीजिएगा तब लौट के खाना बनाइएगा और खाइएगा। और घर के जो मर्द लोग आपके कहने के मुताबिक वोट देकर आए उनको खूब बढ़िया से खिलाइएगा और जो आपकी बात न माने उसको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं।